इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान नारी शक्ति और लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना का नारा देकर देश में महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं प्रयासरत। लेकिन आज भी समाजों में कई कुरीतियां ऐसी फैली हुई हैं जिनसे निजात मिलना मुश्किल ही नहीं असंभव सा लगता दिखाई दे रहा है। प्रशासन शासन दहेज के मामले में हमेशा कार्रवाई करके इंसाफ दिलाते हैं और दहेज मांगने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं समाज में जन जागरूकता के साथ अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी किया जाता है, लेकिन आज भी लोग अनजान बने हुए हैं। ऐसा ही मामला रायसेन जिले के सिलवानी तहसील अंतर्गत ग्राम सिमरिया का सामने आया है, जहां लड़की की शादी 9 मार्च को होनी है और लड़के वालों ने दहेज की मांग की है। और वहीं आवेदन देकर एसपी विकास कुमार शाहवाल से न्याय की गुहार लगाकर मांग की है कि वहीं लड़की के पिता दहेज में मोटरसाइकिल तो देने को तैयार हैं, लेकिन लड़के वालों की ओर से चार पहिया वाहन स्विफ्ट डिजायर की मांग की गई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब लोगों में दहेज के प्रति जागरूकता आएगी या यूं ही समाज में महिलाओं को प्रताड़ना देकर अपनी मांगे पूरी करते रहेंगे। क्या है पूरा मामला? मेरी पुष्पा अहरीवार पुत्री ग्यारसी प्रसाद अहरीवार मेरी पुत्री है, जिसका विवाह वर विक्रम अहरीवार पिता शेर सिंह अहरीवार निवासी ग्राम तीरथपुर ग्राम पंचायत तीरथपुर थाना सलवानी जिला रायसेन से तय कराया था और विवाह दिनांक 9 मार्च को दिन में दोपहर 12 बजे होना है। लेकिन विक्रम अहरीवार के पिता शेर सिंह अहरीवार द्वारा दहेज में स्विफ्ट डिजायर कार मांगी जा रही है, पीड़ित ने बताया, और पहले ही कपड़े सोने चांदी के जेवरात नगद राशि सहित दी जा चुकी है और अब वह विवाह करने से मना कर रहे हैं। इंडियन टीवी न्यूज से उपेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। आए थे मेरी बहन का संबंध हुआ था कीरतपुर विक्रम अहरीवार तरफ, तो उनने दहेज की मांग करते हुए 9 तारीख का संबंध कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास गार्डन लाख पैसे भी नहीं थे और जो चीज़ का हमारा तय हुआ था हम वो देने को तैयार थे। मन कह ले भाई मैं आज के बाद संबंध नहीं करूंगा, तुम्हारी बिटिया पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी बात पढ़ी लिखी बिटिया से थी, तो हम प्रताड़ित पूरा परिवार 9 तारीख में परिवार प्रताड़ित हो रहा है कि हमको न्याय दिलाई जाए। बताओ बिटिया हाथ जोड़े बैठी किसी की भी बिटिया हो मध्य प्रदेश में, तो बताओ हम जाएंगे कहाँ? और वो चीज़ धमकी देता है, हर चीज़ की धमकी, कोई हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। दहेज में आपसे क्या क्या मांगा उन्होंने, इसके अलावा क्या मांगा? स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, 3 लाख रुपये नकदी और सबका मान सम्मान, गार्डन से शादी, गार्डन भी 3 लाख की हो। फॉरेस्ट आपने इसकी शिकायत लोकल थाने में करी थी क्या? हाँ, थाना बमहोरी में शिकायत करी है, मैडम ने FIR दर्ज कर दी है 498, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। आप क्या चाह रहे हैं, मतलब क्या चाह रहे हैं इसमें अपन? हम गिरफ्तारी चाह रहे हैं। बोल। हाँ बोल बोल लो। क्या नाम आपका? कहाँ रहते हैं? SP ऑफिस क्यों आए थे आप? हमारा रिश्ता तय हुआ था तो उन्होंने मना कर दिया। किस लिए मना कर दिया? कि मतलब 4-व्हीलर गाड़ी चाहिए, मतलब दहेज मांग रहा हूँ। हाँ। शादी कब की थी आपकी? 9 तारीख। फलदान कब हुआ था? सोमवार। अभी सर ने क्या बोला आपसे? हमने बोला कि चालान पेश कर देंगे, वो बंद नहीं हो पाएगा। क्या नाम आपका? नेहरू सिंह अहरीवार। कहाँ रहते हैं? चूड़ाखेड़ा थाना बमूरी तहसील सिलवानी जिला मध्य प्रदेश। इंडियन टीवी न्यूज़, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज़ नेटवर्क।